गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह आनंद गिरी के विवादित बयान के बाद से लगातार हो रहा विरोध। बीती रात कुछ लोग नारेबाजी करते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। समय रहते पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा। घटना के बाद से इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। चुनावी दंगल में उतरे कुल 1031 उम्मीदवार। अम्बाला में गुरुद्वारा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, मतदान करने से पहले टेका मत्था। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने डाला अपना वोट, लोगों से मतदान करने की अपील की। उचाना कला सीट से जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में अपनी पत्नी और मां के साथ डाला वोट, लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया मतदान। करनाल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से वोटिंग की अपील की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। कहा, हरियाणा में पहले नेता हर दिन जेल जाते थे, लोगों को मोदी और बीजेपी दोनों पर भरोसा। पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन ने किया मतदान, लोगों से वोटिंग की अपील की। बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता से मुकाबला। कैथल से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला श्री शक्ति धाम मंदिर पहुंचे, मतदान से पहले की पूजा अर्चना। हरियाणा बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले, हरियाणा में माहौल बीजेपी के पक्ष में, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डाला वोट, कुरुक्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान, लोगों से वोटिंग की अपील की। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंची। बोली, मतदान बहुत बड़ा उत्सव, सभी लोग अपने घरों से निकले और वोट दे। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता मनु भाकर ने भी डाला वोट, जर्जर के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। जम्मू कश्मीर के मुगुगलधर में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़, सेना ने दो आतंकियों को ढेर किया, कई हथियार बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।